सेगेसिस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रिट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिट्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और ये किसके द्वारा इशू की जाती हैं और क्यों इशू की जाती हैं, ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का जो रिट्स होती है, एक रिटन ऑर्डर होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इशू किए जाते हैं। और ये एक इफेक्टिव मेथड होता है कि लोग अपने फंडामेंटल राइट्स का हनन जब हो रहा है तो उस हनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट से रिट्स इशू करवा सकते हैं उन लोगों के खिलाफ, उन बॉडीज़ के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं। अब रिट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही इशू कर सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के हनन को रोकने के लिए रिट इशू करता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत करता है, और जब हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के हनन को रोकने के लिए रिट्स इशू करता है तो वो आर्टिकल 226 मतलब 226 आर्टिकल के तहत करता है। और रिट्स कितने प्रकार की रिट्स होती हैं, रिट्स 5 प्रकार की होती हैं, हबियस कॉर्पस, मंडामस, कोवरंटो, प्रोहिबिशन, सर्चोरारी। ये 5 प्रकार की रिट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में दी गई हैं। तो अब हम वन बाय वन सभी रिट्स के बारे में करेंगे। पहले में हम हबियस कॉर्पस के बारे में बात करेंगे। इन केस कोई पर्सन इलीगली डिटेन किया गया है किसी लीगल अथॉरिटी द्वारा, कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पुलिस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंडर होती है, अगर पुलिस किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर लेती है, उसे इम्प्रिजन कर देती है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उस पर्सन को डिटेन किया गया है तो वो पर्सन या उसका कोई सगा संबंधी जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से हैबियस कॉर्पस की रिट इशू करवा सकता है कि उस पर्सन को हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए या किसी भी कोर्ट के सामने पेश किया जाए। तो इसे हम कहते हैं कि हैबियस कॉर्पस की रिट इशू हुई है, तो इन दैट केस पुलिस को उस पर्सन को कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। मतलब ये रिट उसी केस में इशू होगी जब उस पर्सन को अलीगल तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से डिटेन किया गया है। और ये किस पर्सन के अगेंस्ट या किस अथॉरिटी के अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं की जा सकती। अगर कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट रिट इशू की जा रही है या जिसके द्वारा रिट इशू करवाई जा रही है, वो अगर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में, कोर्ट के स्कोप में नहीं है, तो उसके अगेंस्ट ये हैबियस कॉर्पस की रिट इशू नहीं होगी। और अगर किसी पर्सन को कोर्ट ने ही कह रखा कि ये पर्सन क्रिमिनल है और इसे जेल के अंदर डाला जाए, तो उस केस में भी हम पुलिस के अगेंस्ट या कोई प्रिजन वालों के अगेंस्ट हम कोई रिट हैबियस कॉर्पस की नहीं करवा सकते। या फिर वो कोई पर्सन बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऑफेंस में पकड़ा गया है, तो इन दैट केस भी वो पर्सन हैबियस कॉर्पस की रिट इशू नहीं करवा सकता। अब दूसरी हमारे पास जो रिट है, मैंडामस का मतलब क्या होता है, इसमें क्या है, किसी पब्लिक अथॉरिटी को उसकी अपनी पब्लिक ड्यूटी करने के लिए उसको कमांड करना, उसको आदेश देना कि तुम अपनी ऐसी पब्लिक ड्यूटी इस तरह से करो कि किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो या किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो। ठीक है, अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही है तो वो पर्सन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके एक मंडामेंट्स की रिट इशू उस पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट करवा सकता है, और उस रिट के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर्सन को कहेगा कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी सही तरह से करो और लोगों के इस कंसर्न्ड पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का हनन मत करो। ठीक है, तो इट मीन्स मंडामेंट्स के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पब्लिक अथॉरिटी को कमांड करते हैं, आदेश देते हैं कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी सही तरह से करो। अब ये जो मंडामस की रिट है, ये किन किन पर्सन के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकती, प्राइवेट और इंडिविजुअल बॉडी के अगेंस्ट नहीं ये रिट इशू हो सकती। ठीक है, कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस है जिसको पार्लियामेंट का स्टैचुटरी स्टेटस नहीं मिला, उनके अगेंस्ट नहीं हो सकती ये।
और जब किसी पब्लिक अथॉरिटी की जो जो ड्यूटी है वो डिस्क्रेशनरी हो, मतलब ड्यूटी अपनी मर्जी से कर रहा हो, वो मैंडेटरी ना हो, मैंडेटरी मतलब जरूरी ना हो, लीगल ना हो, तो उस केस में भी मैंडावस की जो रिट है इशू नहीं हो सकती। किसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो आप, उस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ये रिट इशू नहीं की जा सकती। प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर्स के अगेंस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर्स के अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं की जा सकती। और अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट भी जो मैंडामस की रिट आप इशू नहीं करवा सकते हो। फिर अब है कोवरंटो के, कोवरंटो का मतलब जैसे हम वारंट से समझ सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हाई जो कोर्ट होता है वो किसी पर्सन को पूछता है कि आप किस अथॉरिटी से, किस एलिजिबिलिटी से आप कोई पब्लिक ऑफिस हेल्ड कर रहे हो, आप किस अथॉरिटी से किसी कुर्सी पर बैठे हुए हो, ठीक है। और कोई भी पर्सन ये कोवरंटो के किसी के अगेंस्ट करवा सकता है अगर उस पर्सन की अपॉइंटमेंट जो उस पोस्ट पे हुई है वो अलीगल तरीके से हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका लिटरली जो इसका मीनिंग होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर हैविंग ए पोस्ट। और इसमें अब कोवरंटो किस किस के अगेंस्ट इशू करवाई जा सकती है, पब्लिक जिस पोस्ट पे वो बैठा है, जिस ऑफिस में वो पर्सन बैठा है, जिस पोस्ट की, जिस ऑफिस की पोस्ट पे बैठा है वो पब्लिक होनी चाहिए, और जहाँ किसी पार्लियामेंट के किसी एक्ट द्वारा वो मतलब वो ऑफिस क्रिएट किया जाना चाहिए होगा, जहाँ फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए जिस पोस्ट पे वो बैठा हुआ है, ठीक है। और वो जो ऑफिस है वो एक इम्पोर्टेंट ऑफिस होना चाहिए, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी उस ऑफिस के अगेंस्ट ये कोवरंटो की रिट इशू की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उस पर्सन की अपॉइंटमेंट गलत तरीके से हुई हो, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुई हो, फ्रॉड वगैरह करके हुई हो उस पोस्ट पे, तो उस पर्सन के अगेंस्ट कोवरंटो की कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप ऑफ पीपल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर कोवरंटो की रिट इशू करवा सकता है। और अगर पाया जाता है कि वाकई ही वो इलीगल तरीके से उसकी अपॉइंटमेंट हुई तो उसको हटाया भी जा सकता है कोवरंटो की रिट के तहत। अब हम प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन टाइप के एक रिट है ये भी, प्रोहिबिशन इसकी बात करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को ये प्रोहिबिशन की रिट इशू करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर लोअर कोर्ट किसी ऐसे केस के, ऐसे केस का के केस पे काम कर रहा है जहाँ ऐसे केस की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं लोअर कोर्ट में जो उस लोअर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, मतलब लोअर कोर्ट के पास, लोअर कोर्ट है जो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, मतलब वो केस उसके ज्यूरिसडिक्शन में लोअर कोर्ट के नहीं आता है बट वो फिर भी उस पर काम कर रहा है, उस केस पे, उसके केस का फैसला सुनाने जा रहा है, अभी उस फैसला सुनाया नहीं है, तो इन दैट के जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को प्रोहिबिशन की रिट इशू कर सकते हैं कि आप इस पे काम करना बंद करो, इस केस पे काम करना बंद करो। तो हमें यहाँ से एक बात और भी पता चलती है, जो मैंडामस की रिट थी वो तो एक्टिविटी करने के लिए कहती है कि आप कुछ ऐसा करो, और जो प्रोबेशन की रिट है वो कहती है लोअर कोर्ट को कि आप ऐसा ना करो, मतलब भी ऐसा आप ना करो। और फिर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन की जो रिट है वो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, मतलब अदर जो, इसका मतलब जो अदर बॉडीज़ हैं जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल, उनके अगेंस्ट ये प्रोहिबिशन की रिट इशू नहीं की जा सकती। और लास्ट में हमारे पास जो सर्चरी की होती है, जैसे हमने प्रोहिबिशन में देखा कि प्रोहिबिशन में अगर कोई लोअर कोर्ट अपनी कैपेसिटी से बढ़कर किसी केस पे काम कर रहा है, उसकी प्रोसीडिंग चला रहा है, और वो केस उनकी जुडिशियल कैपेसिटी में है भी नहीं, फिर भी पर उस पर कोई फैसला सुनाने जा रहा है तो उसको प्रोहिबिट करता है अपनी जो प्रोहिबिशन की रिट होती है। बट सर्टुररी में क्या है, सर्टुररी में क्या होता है कि कोई लोअर कोर्ट किसी ऐसे केस पे काम कर रहा है जो उसकी, सॉरी, किसी ऐसे केस पे मतलब उसने अपना डिसीजन दे दिया जो उनकी जुडिशियल कैपेसिटी के बाहर था, उस पर डिसीजन भी आ चुका है, ठीक है।
तो ऐसे डिसीजन को क्वैश करने के लिए, ऐसे डिसीजन को इनवैलिड घोषित करने के लिए सर्टियोरी की रिट इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा कि आपके द्वारा जो जो ये फैसला दिया गया है ये रॉन्ग है, ये आपकी ये केस था जो ये आपकी जुडिशियल कैपेसिटी से बाहर था और आपने इस पर डिसीजन कैसे दे दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कोर्ट अपनी जुडिशियल कैपेसिटी के बाहर काम कर गया, कोई कोर्ट कर रहा है या कर गया, इसका हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका हम पता ऐसे चलेगा कि जब हम देखते हैं कि जो कोर्ट जिस कोर्ट ने सर्टियोरी केस में सॉरी जिस कोर्ट ने इस केस में लोअर कोर्ट ने अपना फैसला दिया वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था, उसमें उतने जज नहीं बैठे हुए थे, इसमें उतनी मतलब वो प्रोसीडिंग्स नहीं हुई, तो हमें पता चल जाएगा वो जो केस था वो इसकी जुडिशियल कैपेसिटी से बाहर था फिर भी इन्होंने डिसीजन दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस अनाउंसमेंट को, इस जजमेंट को इनवैलिड घोषित कर देंगे। और एक और बात कि जैसे हमें जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ऐसा लगे कि जिन पर्सन ने जो जजमेंट प्रोनाउंस की है वो वेल क्वालिफाइड नहीं थे, वो उस केस को लड़ने के लायक नहीं थे, वो उस केस पर डिसीजन देने के लायक नहीं थे, वेल क्वालिफाइड नहीं थे, तो इन दैट केस भी उस जजमेंट को इनवैलिड घोषित किया जा सकता है सर्टियोरी रिट के तहत। और जहाँ पे जो डिसीजन आया वो फ्रॉड, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, करप्शन हुई है और उसमें बहुत ज़्यादा कोल्यूजन हुआ है, जज और वकीलों ने मिलके मतलब फ्रॉड करके उसका डिसीजन दिया है, तो इन दैट केस भी उस पर सर्टियोरी की रिट इशू की जा सकती है। और सबसे बड़ी ये बात ये है कि जिस केस पे डिसीजन सुनाया गया है वो मतलब उस लोअर कोर्ट की जुडिशियल कैपेसिटी से बाहर था। इवन अगर जुडिशियल कैपेसिटी से बाहर ना भी हो तो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के इस डिसीजन को इनवैलिड या क्वेश कर सकते हैं। वो कैसे? जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसा लगे कि ये जो डिसीजन सुनाया गया उसमें कोई ना कोई एरर ऑफ लॉ हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, लॉ को सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो फिर भी सर्टियोरी की रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस डिसीजन को क्वेश कर सकता है। ठीक है, तो हमने इन शॉर्ट में हमने क्या देखा, जो प्रोहिबिशन होती है वो जब किसी केस लोअर कोर्ट में जब किसी केस की प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं तो ये तब उसको रोकती है, बट जो सर्टियोरी होती है रिट इन दैट केस में अगर किसी लोअर कोर्ट ने अपनी जुडिशियल कैपेसिटी से ऊपर उठ के कोई डिसीजन सुना दिया गया हो उसको इनवैलिड करने के केस में ये सर्टियोरी की रिट इशू की जाती है। मतलब एक जगह तो प्रोहिबिशन के केस में तो प्रोसीडिंग चल रही है तब उसको रोका गया आप ऐसा मत करो, और सर्टियोरी के केस में ये बताया गया कि आपने जो डिसीजन दिया है वो सिटीजन अपनी जुडिशियल कैपेसिटी से ऊपर उठ के दिया, जहाँ आपने इसमें कोई फ्रॉड किया है, जहाँ आपने इसमें कोई करप्शन किया है, इन दैट केस हम आपका जो डिसीजन है लोअर कोर्ट का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को इनवैलिड घोषित कर सकते हैं। ये थी हमारी 5 प्रकार की जो रिट्स, इनके बारे में हमने पूरी बताने की कोशिश की। अब आप हमें बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में यूपीएससी का वर्णन किया गया है, यूपीएससी को मेंशन किया गया है। आपके ऑप्शन आपके सामने आर्टिकल 315, आर्टिकल 110, आर्टिकल 324, आर्टिकल 335। और थैंक यू।